सिविल लाइन थाना अंतर्गत घंटाघर ओपन थिएटर के मैदान में संचालित पुरातत्व विभाग के म्यूजियम में चोरी की एक घटना सामने आई है। अज्ञात चोर छत के रास्ते संग्रहालय परिसर में घुसे, फिर दरवाजे का कुंदा तोड़कर भीतर प्रवेश कर प्राचीन बंदूक, तलवार, गहने और सिक्कों की चोरी कर ली। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है, जिसके आधार पर पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। कोरबा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में संचालित पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर ऐतिहासिक महत्व के कई सामानों की चोरी कर ली। चोर छत के रास्ते म्यूजियम के परिसर में प्रवेश किए, फिर दरवाजे का कुंदा तोड़कर अंदर घुस गए। इस दौरान चोरों ने कांच के फ्रेम को तोड़कर रखे प्राचीन कालीन बंदूक, तलवार, तीर, गहने और सिक्कों को पार कर दिया। कांच के फ्रेम को तोड़ने के दौरान चोर घायल भी हुए, जिनके खून के निशान मौके पर पाए गए हैं। सुबह सुबह जब संग्रहालय के मार्गदर्शक मौके पर पहुंचे, तब उन्हें चोरी की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस और जिला प्रशासन को मामले से अवगत कराया। तीन बंदूकें हैं, एक रिवॉल्वर का बट, दो तलवारें, 21 सिक्के के आसपास हैं और 20 गहने हैं जो डालडा के बने थे, तांबा को अगर सीखे थे वो चोरी हुआ है, ब्रेसलेट और तीर हैं, दो तीर हुए हैं, बिच्छू स्टैंड वगैरह जो है वो चोरी हुआ है, कुछ चांदी वगैरह के बिछे थे वो चोरी हुआ है। तब देखा तो कि तल ऊपर रस्सी लटका हुआ है, कुंडा इधर खुला हुआ था और सामान इधर उधर भी दिखा, तो तुरंत वहाँ के प्रभारी अधिकारी को निर्देश, उसको बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने घटनाक्रम पर बताया, तो उन्होंने फायर दर्ज करने के निर्देश दिया। अधिकारी को जा करके अपर कलेक्टर साहब को पूरे एफ आई आर की कापी, संलग्न कापी और पूरा घटनाक्रम के बारे में जानकारी दिया। म्यूजियम में चोरी की घटना ने कई सवालों को जन्म दे दिया है। बताया जा रहा है कि यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, यहाँ ना तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, ना ही सुरक्षा कर्मी की कोई व्यवस्था की गई है, यही वजह है कि चोर बेखौफ होकर अंदर प्रवेश कर गए। म्यूजियम के मार्गदर्शक ने बताया कि सीसीटीवी को लेकर प्रशासन से कई बार पत्राचार किया गया था, लेकिन संग्रहालय को सुरक्षित करने की दिशा में किसी तरह का प्रयास नहीं किया गया। सीसीटीवी कैमरे नहीं है क्या संग्रहालय में? नहीं, सीसीटीवी वगैरह नहीं। मांग जिला प्रशासन से विभाग में भी किया गया था, विभाग से इसको हैंड ओवर करने के लिए कई बार पत्राचार किया जा चुका है। जिस टाइप उन्होंने चोरी किया है तो विषय विशेषज्ञ तो नहीं हो सकते हैं, नशेड़ी या फिर कबाड़ी चोर लोग टाइप के व्यक्ति होंगे, आदतन जो चोरी करके नशे अपना पूरा करते हैं। आशंका जताई जा रही है कि पास के ही बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया होगा, अपनी नशे की लत को पूरा करने उन्होंने म्यूजियम को निशाना बनाया है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को पूरी उम्मीद है कि आरोपी जल्द ही उनके पकड़ में होंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए अविनाश प्रसाद।